नशे के कारोबारी के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मोहन नगर थाना क्षेत्र से लगभग 4 लाख रुपए कीमत का 170 पुड़िया ब्राउन शुगर, 2900 नग नशीली अल्फा जोलाम व 288 नग स्पस्मो कैप्सूल के साथ 4 आरोपियों को एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट तथा मोहन नगर थाने की टीम ने संयुक्त कार्यवाही कर पकड़ने में सफलता पाई है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि टीम द्वारा नशे के कारोबारियों पर सतत निगरानी रखी जा रही थी। जेल से रिहा हुए पूर्व के आदतन नशे के कारोबारियों पर निगाहें रखी जा रही थी। इसी दौरान ACCU की टीम को विशेष सूत्रों से पता चला कि गिरधारी नगर कोष्टा तालाब के पास 4 व्यक्ति भारी मात्रा में मादक पदार्थ ब्राउन शुगर, नशीली अल्फा जोलम टेबलेट एवं स्पास्मो कैप्सूल नशीली दवाइयां अपने पास रखे हैं और उसे बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलने पर टीम द्वारा गिरधारी नगर कोष्टा तालाब के पास से 4 व्यक्तियों देवेंद्र उर्फ मोन्टू विश्वकर्मा, वैभव खंडेलवाल, रुस्तम नेताम एवं अनीश उर्फ सोना राजपूत को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 170 पुड़िया ब्राउन शुगर, 2900 नग नशीली अल्फा जोलम टेबलेट एवं 288 नग स्पास्मो कैप्सूल, मोटरसाइकिल एवं एक्टिवा वाहन जिसकी कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है बरामद किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना मोहन नगर से NDPCS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। मोहन नगर थाना क्षेत्र में 16 ग्राम हीरोइन और साथ में 3000 से ज्यादा टैबलेट नशीली टैबलेट जब्त की गई, जो कि अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल की टैबलेट्स हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि इसका कंजम्पशन भी करते थे और इसको बेचा भी करते थे। उनसे पूछताछ में मालूम चला कि इसके नागपुर और महाराष्ट्र से इसके तार जुड़े हुए हैं। अग्रिम कार्रवाई इनके सप्लायर्स के ऊपर और इनके जो आका हैं जो इस तरह की चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर भी की जाएगी। जो अपराधी हुई है उसमें इन्होंने एक अपराधी की बात बताई है जो कि 2005 से लेकर 15 तक जेल में था और निकलने के बाद दोबारा इस तरह का काम वो भिलाई क्षेत्र में कर रहा है, उस पर भी नज़र रखी जा रही है और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।